हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के परांठे और ये सभी को पसंद है। तो सबसे पहले मैंने आटा तैयार किया है, उसमें आटे में सिर्फ नमक और पानी डाला है और एक सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार किया है। यहाँ पर इसको अच्छे से गूंदना पड़ता है ताकि आटा सॉफ्ट रहे, और गूंदने के बाद इसको आप 15 से आधे घंटे तक रेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो जब तक डो रेस्ट पर है उतने टाइम में आलू की जो फिलिंग है वो तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल फिलिंग है, बेसिक चीज़ें इसमें हमें डालनी है। आप चाहे तो अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मसालास भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर में अनियन, धनिया पत्ता और हरी मिर्च डाल के उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने पोटैटोस को पहले ही बॉईल कर लिया था, और उन्हें अच्छे से मैश करने के बाद जो चॉप किया हुआ मिक्सचर हमने रेडी किया है वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे पास चीज़ क्यूब्स पड़े थे तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसमें मैंने नमक डाला है एज़ पर टेस्ट। अब क्योंकि चीज़ में भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सॉल्ट एडजस्ट किया है, और तीखे के हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है यहाँ पे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा क्वांटिटी में हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी सभी चीज़ें तैयार हैं, फिलिंग भी रेडी है और डो को भी रेस्ट पे रखे हुए टाइम हो चुका है। तो परांठा बेलने से पहले जो डो है उसको हमें एक बार फिर से नीड करना है और उसके छोटे छोटे बॉल्स निकालने हैं। बट रोटियों के लिए जितने बड़े साइज़ के हम बॉल्स निकालते हैं उससे थोड़े बड़े हमें परांठे के लिए निकालना है, क्योंकि इसमें हमें फिलिंग भी डालनी है। और जब हम डो के बॉल्स बनाएंगे तो उसमें मेक श्योर कि कोई क्रैक्स ना रहें। तो अभी परांठा बेलने के लिए इसको अच्छे से आटे में लपेट कर हमें हल्के हाथों से बेलना है, और मेक श्योर कि सेंटर पार्ट थोड़ा थिक रहे एज कम्पेयर टू एजेस, क्योंकि जब हम मसाला डालेंगे तो सेंटर पार्ट अगर थिक रहेगा तो परांठा फटेगा नहीं और जो मसाला है वो भी बाहर नहीं आएगा। तो जितने साइज़ का यहाँ पे डो का बॉल लिया था उतने ही साइज़ के फिलिंग का एक बॉल बना के सेंटर में रख के मैंने साइड से उसको बंद कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा आटा था उसको हटा दिया है, और फिर से सेम प्रोसेस इसको सूखे आटे में लपेट कर बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है। ज़्यादा प्रेशर डाल के अगर इसको बेला गया तो जो फिलिंग है वो बाहर आ सकती है और शेप भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं आएगी, और बीच बीच में इस तरह सूखा आटा डालते रहना है ताकि ये चिपके ना। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो फिलिंग है वो चारों तरफ अच्छे से फैल गई है, वो इसीलिए क्योंकि हल्के हाथों से इसको बेला गया है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला गया। पराठे को मीडियम हॉट पैन पर सेकना है, जब एक तरफ से थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाए आपको उसको पलट देना है, थोड़ी देर इसको सेकना है। और यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, उसको अच्छे से पराठे पर अप्लाई कर दिया है, और अप्लाई करने के बाद इसको हम पलट देंगे। पराठे को पलटकर दूसरी साइड भी हमें अच्छे से ऑयल लगाना है, और दोनों तरफ पलटते पलटते हुए इसको अच्छे से सेकना है। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी से टेस्ट और भी अच्छा आता है।
पराठा अब अच्छे से पक चुका है, इसको अभी मैं एक प्लेट पे निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी के पराठे भी तैयार कर लूँगी। पराठा सर्व करने से पहले मैं हमेशा इसमें ऊपर से देसी घी लगाती हूँ, इससे फ्लेवर और भी इन्हांस होता है। पराठे के साथ अचार और दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, बट मुझे पर्सनली बटर के साथ पसंद है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बटर लेती हूँ और उसके साथ ही खाती हूँ। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो यहाँ तक वॉच किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।